और शायद हमें अपनी भलाई इसी बात में लगती है कि हम सब लोग एकजुट होकर के मोदी साहब का समर्थन करें। युवा को ये बात बिल्कुल सत्य है कि युवा को नौकरी चाहिए। ये पूछने की तूने क्या किया, तेरे बाप दादा ने क्या किया, कानून तो बदली नहीं हुआ, उनसे कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय इसका कि भी एक ग्रुप को बस उसकी संतुष्टि करने के लिए जो कुछ भी करते थे उसके लिए चाहती है। उसके बाप के मतलब कुछ नहीं थी ना, उसका ये कुछ होता था, उन्होंने तो कह दिया बोले सब कुछ फ्री कर दो भाई है? और उसमें बस भी वोट बैठने का तरीका था। हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, दो चरण चुनाव के हो भी चुके हैं, तमाम पार्टी अपने अपने मुद्दे लेके तमाम गांवों के पास तमाम लोगों के पास जा रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी जीतती है। अभी हम आए हैं निजामगढ़ के उजवा गांव में और यहाँ पे बड़े ही वरिष्ठ लोग, मैं तो ये कहूँगा हरियाणी भाषा में कि हमारे तमाम ताऊ यहाँ मौजूद हैं, तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस पार्टी का जोर निजामगढ़ में है और किस पार्टी को विजेता बनाएंगे यहाँ के लोग। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए और हमें ये समय दे रहे हो, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद। ताऊ जी पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं जी, तमाम पार्टी अपने अपने मुद्दे लेके खड़ी हुई है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तमाम जितनी भी पार्टी है सबके अपने एक मुद्दे हैं। कोई फ्री के चीज़ें बांट रहा है, फ्री का राशन, ठीक है, कोई कह रहा है कि जी हम आपको विकास करके देंगे, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कोई गारंटी बांट रहा है। हाँ, कोई गारंटी बांट रहा है। तो आप, क्योंकि आप एक सरकारी महकमे भी रहे हैं, आर्मी से, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? मैं पहले तो आपको ये बता दूँ कि मैं आर्मी से ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ और मैं अपने नज़रिए से जो देखता हूँ तो इस वक्त का जो माहौल है, और शायद हमें अपनी भलाई इसी बात में लगती है कि हम सब लोग एकजुट होकर के मोदी साहब का समर्थन करें, ठीक है। उन्होंने हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है और आम आदमी की समस्याओं को हल करने का प्रयोजन कर रहे हैं वो, ठीक है। इसलिए हमारा प्रयास है कि अब की बार पूरा कोशिश करके उनको 400 पार करें। अच्छा, मतलब आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मोदी सपोर्ट करते हैं, तो मोदी जी का जो विकास है लोग तो कहते हैं आए ही नहीं। ऐसा है कि जो नेगेटिव पर्सनैलिटी है ना, उनको आप जो मर्जी कुछ कर लो उनका कभी संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है ना। और जो आप ये बताओ 60 साल से पहले चल रहा था, क्या किया किसान की, क्या हालत थी, कभी कर्जा उठा? किसान आदमी आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे देश में आज के टाइम में क्या कि युवा ज़्यादा हैं, तो युवाओं को किसान विसान ये सब चीज़ें तो दिखती नहीं है। देखो, युवा को ये बात बिल्कुल सत्य है कि युवा को नौकरी चाहिए, युवा को काम चाहिए, युवा को अपना कोई ना कोई धंधा चाहिए, उसके लिए तो प्रयोजन करना ही पड़ेगा, चाहे वो मोदी जी हों चाहे कोई भी आदमी हो। पर हमारे देश के जो विपक्ष की पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस की बात करें तो वो कहते हैं भाई मोदी सरकार ने तो रोजगार ही नहीं दिए, बेरोजगारी बढ़ गई है। ऐसा है कि मुझे लगता है कि ऐसा बढ़ गया है, उसके बाद में कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कितना वो लगा है, कितना हम इम्पोर्ट कितना कर रहे हैं, आप ये बताओ कि पहले जब ये एक्सपोर्ट करते थे हमने कितना 88,000 करोड़ के जो वेपन एक्सपोर्ट किया है, उनको बढ़ाया होगा सब कुछ होता है, पर जो आदमी अनसेटिस्फाइड है विपक्ष ने तो हमेशा कहना ही कहना। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रोजगार मिला है लोगों को? रोजगार भी मिला है, काम भी बढ़े हैं, साइंटिफिकली प्रकृति है, आर्थिक दृष्टि से आप ये बताओगे जब हमारा 5वां नंबर था, 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, तो काम भी बढ़ा है, आर्थिक दृष्टि से नहीं मिलेगा। जैसे आप आर्मी में भी रहे, कांग्रेस कहते हैं कि जो अग्निवीर स्कीम आई है तो ये कहा कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ बनाने वाली चीज़ है। देखो, ऐसा सभी आर्मी के आदमी तो आप सभी देशों में ये जैसे अग्निवीर है इस तरह की बातें चलती है, ठीक है। इसराइल में जैसे देश है वो कहेगी, उसमें तो हर आदमी को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी ट्रेंड होकर रहेंगे और 4 साल के बाद जो रहने लायक है, जो रहना चाहते हैं वो रह भी जाएंगे, वो रहेंगे, ये थोड़ा कि सबको निकाला जाएगा, और कुछ आदमी अपने आप ऑप्ट करेंगे कि हम जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो आप इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी कह रहे हैं 400, देखो ऐसा है कि पूरा संघर्ष करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि 400 पार हो जाए, ठीक है। हम जो मोदी जी कहते हैं हम उनके साथ समर्थन करते हैं इस बार। मतलब मोदी जी की जो गारंटी है आप भी गारंटी, हम पक्की गारंटी करते हैं। मैं सभी किसान भाइयों से भी कहता हूँ कि समय आएगा, अच्छा समय आएगा, हमारा भी समय अच्छा आएगा, किसानों का भी समय अच्छा आएगा, आदमी का भी समय अच्छा आएगा, ठीक है। हमारा
हमारे जो राहुल गांधी हैं कभी से अच्छा समझाएगा, जो हमारे राहुल गांधी हैं जो कहते हैं मोदी जी ने तो कुछ करा ही नहीं है, और आजकल तो तू तड़ाके वाली लैंग्वेज पे आ गई। राहुल जी ऐसा उनसे तो ये पूछ ले, तूने क्या किया, तेरे बाप दादा ने क्या किया, कोई कानून तक बदली नहीं हुआ उनसे, कुछ भी नहीं हुआ सिवाय इसका कि भाई एक ग्रुप को बस उसकी संतुष्टि करने के लिए जो कुछ भी करते थे उसके लिए। अच्छा अरविंद केजरीवाल जी जो ये फ्री की जो चीजें बांटते हैं, मतलब फ्री का राशन, बिजली फ्री, पानी फ्री, बात ये उसके बाप के ना तो बिजली थी ना उसका ये कुछ और था, उन्होंने तो कह दिया बोले सब कुछ फ्री कर दो भाई है? और उसमें बस भी वोट बांटने का तरीका था, लेडीज का भी घूमते हैं। अच्छा एक बड़ी हैरानी वाली बात ये, जितना भी विपक्ष आजकल ये कहता है कि भैया मोदी सरकार ने तो जो हमारी एजेंसी है जैसे ईडी सीबीआई ये लगा रखी है विपक्ष के पीछे, और जो नेता उनकी बात नहीं मानता, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होता उसको ईडी से उठाया और सीधा जेल, जैसे केजरीवाल को डाल रखा है और भी कई नेता है। देखो ऐसा है, चोर को तो डाला ही जाएगा, जो आदमी चोरी करता है। अब ये बताओ कि अब अगर केजरीवाल बिल्कुल साफ था और उसका कोई केस नहीं था तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, कोर्ट उसका फिर समर्थन क्यों करती है ईडी का, है ये आदमी को अंदर डाल दिया और कोर्ट उसको जमानत तक नहीं दे रही है, इसका मतलब उसको रोक है, है? जब एक आदमी पहले कहता था कि ये आदमी खराब है, ये देश खराब है, ये फलाना खराब है, वो सब आदमी उनकी कोड़ी भर रहा है, जो पहले कहता था कि मैं तो वो उसके चीफ मिनिस्टर का कोठी भी नहीं लूंगा, अब वो 40-50 करोड़ रुपया लगा करके उसका रिनोवेशन करा रहा है, उसी कोई बात में सच्चाई है कहीं नहीं है, वो पता मुझे कुर्सी से लालच नहीं है, अब जेल में भी चला गया तो कुर्सी रिजाइन नहीं करता, हाँ जेल से ही रात चलाऊंगा पर छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो किसी माइकल आले तड़वाई 370 की धारा, मोदी ने तड़वाई मंत्र बनवाया, मोदी ने बनवाया किसे बनाया तो पूरी जिंदगी में भी। तो दोस्तों ये आज हमारे जो नयेगढ़ से जो उजवा गांव है यहाँ के लोग हैं, और इनका कहना है कि भाई जो केजरीवाल है वो अगर इतना ही ईमानदार है तो उसको जो हमारा कोर्ट है वो उसको जमानत क्यों नहीं दे रहा, और सही बात भी है कि अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं करा तो उनको जमानत मिलनी भी चाहिए, तो अपनी उम्र हो गई, इन्होंने दुनिया देखी है, और ऐसे व्यक्ति अगर ये बात बोल रहे तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई है। खैर चुनाव है, अब चुनाव में कौन आदमी किसको वोट देता है ये तो सबकी अपनी एक व्यक्तिगत राय है, ठीक है, पर मुद्दा यही है कि जो बात विकास की है तो वोट उसी को दिया जाए जो हमारा विकास कर रहा है। अब विकास वो किस चीज़ क्या कर रहा है, आपको फ्री दे के विकास कर रहा है या आपसे टैक्स लेके विकास कर रहा है, रोजगार दे रहा है, ये सब मुद्दे हैं। तो मुद्दा यही है कि आप वोट किसी को भी करें, जिसको भी दें, ये देख के जरूर दें कि उस व्यक्ति ने जो आदमी खड़ा हुआ है जो हमारे से वोट मांग रहा है वो किस आधार पर वोट मांग रहा है। तो इस तरह की तमाम चुनाव से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक लाते रहेंगे, और गांव देहात के जितने भी लोग हैं जो भारतीय राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं, वोटर्स हैं, उनकी तमाम जो राय हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सच की रफ्तार।